हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हमारा बिल्डिंग मटेरियल की पहली क्लास सीमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल बोल दो या सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल बोल दो, ये एक ही है। मतलब हमारे बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में काम में आने वाले जो मटेरियल होते हैं, उन्हीं को हम बिल्डिंग मटेरियल या सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो आपको थोड़ा बेसिक पता ही है कि जनरली हमारे पास जो सब्जेक्ट है उनमें सीटी, बीएमसी, ठीक है। एक तो दोस्तों आपका सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और एक आपका बीएमसी, और एक का आपका आरसीसी। इन तीनों में ही हम लगभग सेम सेम सी बात करते हैं मटेरियल्स के रिगार्डिंग। तो बाट 3 रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो निकल के आता है दोस्तों, मटेरियल्स का ही निकल के आता है। तो हमारा मेन आज का जो टॉपिक होगा वो बिल्डिंग मटेरियल होंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल होते क्या है दोस्तों? सिविल इंजीनियरिंग में या किसी भी बिल्डिंग के या किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल काम में आता है, उसी मटेरियल को हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में या किसी भी प्रकार के मटेरियल, किसी भी प्रकार के बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को बनाने में जो भी मटेरियल काम में आएगा दोस्तों, वो बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल का मतलब क्या है दोस्तों? लगभग हमारे पास हर एक आर्टिफिशियल का नेचुरल अवेलेबल है, या आप सर ऐसा बोल सकते हो, हर एक नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल का हमारे पास एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल मौजूद है। अब कैसे इनको डिनोट करते हैं, कौन कौन सा है? जैसे मैंने सिंपल बात करी कि हमारा एक बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट। दोस्तों, सभी को पता है कि सीमेंट आपका जो बिल्डिंग मटेरियल है दोस्तों, वो आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, और बिल्डिंग मटेरियल के बाइंडिंग की क्वालिटी में आता है। मतलब सीमेंट इज ए टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। तो अगर हम किसी बाइंडिंग की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्टिकी नेचर की बात करते हैं, तो वो हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल निकल के आता है दोस्तों, वो सीमेंट कहलाता है। अब सर सीमेंट का, क्योंकि हम खुद प्रोडक्शन करते हैं, खुद इसको बनाते हैं, तो सीमेंट आपका एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। अगर मैं इसको नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल से कंपेयर करता हूँ दोस्तों, तो हमारा जो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है दोस्तों, वो लाइम है। नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है सर? लाइम है। बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा वाला? सीमेंट के कंपेयर में, या आप इसको बोल सकते हो बाइंडिंग मटेरियल, क्योंकि दोस्तों ये बाइंडिंग की प्रॉपर्टी देता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? बाइंडिंग। अब क्योंकि लाइम हमारे पास जो नेचुरली दोस्तों अवेलेबल है, लाइम हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जो डिजायर प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है, वो प्रॉपर्टी इसमें अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने इस नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल का एक और जो मटेरियल बना रखा है हमारा, सीमेंट है। वैसे भी बहुत सारी सीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो लाइम से अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। इसलिए हम लाइम को यूज ना करके आज किसको यूज करते हैं सर? सीमेंट को यूज करते हैं। तो पहला हमारा बिल्डिंग मटेरियल दोस्तों सीमेंट है, आर्टिफिशियल। इसके कंपेयर में हमारे पास नेचुरली कौन सा है सर? लाइम है। ऐसे ही आर्टिफिशियल एक और मटेरियल है मेरे पास दोस्तों, वो कहलाता है ब्रिक। वो क्या कहलाता है? ब्रिक, जिसको आप ईंटे बोलते हो दोस्तों। अब ये जो आपका ब्रिक है, ये आर्टिफिशियल ही है, क्योंकि आपने इसको बनाया है। इसका अगर हम नेचुरल मटेरियल की बात करते हैं दोस्तों, वो निकल के आएगा आपका स्टोन। नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल कौन सा निकल के आएगा सर? नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। इसके कंपेयर में कौन सा निकलेगा? स्टोन। लेकिन दोस्तों फिर से, क्योंकि स्टोन नेचुरली ऑब्टेंड होता है, तो कुछ प्रॉपर्टी जो डिजायर मुझे चाहिए, आवश्यक होती है, वो इस स्टोन से नहीं मिल पाती है। जैसे आप सपोज करो, हम इस स्टोन को मैसनरी के वर्क में यूज करते हैं, और मैसनरी के वर्क में जब हम इस स्टोन को यूज करते हैं, तो इस स्टोन को प्रॉपर साइज और शेप नहीं हो पाता, इसलिए हमने ब्रिक को बनाया। वैसे स्टोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इनका डिटेल डिस्कशन इनके चैप्टर में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है, ब्रिक की कुछ डिजायर प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है, इसलिए हमने इस ब्रिक को मैन्युफैक्चर किया। तो ब्रिक आपका कैसा मटेरियल हो गया सर? ब्रिक हमारा आर्टिफिशियल हो गया, स्टोन हमारा नेचुरल। ऐसे ही दोस्तों एक और आर्टिफिशियल मटेरियल है हमारे पास, और इस आर्टिफिशियल मटेरियल को बोला जाता है स्टील। और स्टील के कंपेयर में कौन सा है?
अब ध्यान रखना दोस्तों, ब्रिक और स्टील दोनों सॉलिड मटेरियल के एग्जाम्पल है। इस स्टील के कंपेयर में पहले हम रिइंफोर्समेंट के लिए बंबू को यूज करते थे, तो आप बोल सकते हो सर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे टिम्बर से। तो टिम्बर नेचुरली मिलता है लेकिन स्टील को हम बनाते हैं। कहने का मतलब है अधिकतर आपको हर एक बिल्डिंग मटेरियल का, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल या आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल का कंपोनेंट मिल ही जाएगा। अब जब हम इन सभी बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो मेन बिल्डिंग मटेरियल्स है उनमें पहला मटेरियल है सीमेंट। दूसरा जो मटेरियल हमारे पास है दोस्तों वो ब्रिक है। तीसरा जो बिल्डिंग मटेरियल जिसकी हम बात करते हैं वो कौन सा है सर? वो स्टोन है। फोर्थ बिल्डिंग मटेरियल जिसकी हम बात करेंगे वो टिम्बर है। फिफ्थ नंबर पे जो बिल्डिंग मटेरियल है आपका दोस्तों वो लाइम है। और सिक्स नंबर पर जो बिल्डिंग मटेरियल दोस्तों यूज करेंगे हम पेंट, वार्निश, पॉलिश। सातवें नंबर पर आप मिसलेनियस बोल सकते हो जिसमें स्टील वगैरह आ जाएगा आपका दोस्तों। ये मिसलेनियस मटेरियल्स हैं दोस्तों। इन सभी बिल्डिंग मटेरियल में ये चार जो बिल्डिंग मटेरियल आपके ये इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और इन चारों में से भी सबसे अधिक वेटेज जिस बिल्डिंग मटेरियल का है वो आपका सीमेंट है। ये तकरीबन 20 से 25% का वेटेज रखता है। कहने का मतलब है सीमेंट के क्वेश्चन तो आपको हर किसी ना किसी एग्जाम में मिल ही जाएगा कॉमनली। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट। कंक्रीट में भी हमने इस सीमेंट के बारे में पढ़ा था, आरसीसी में पढ़ते हैं, और आज इस बिल्डिंग मटेरियल क्लास में हम इस सीमेंट को दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस बिल्डिंग मटेरियल क्लास में हम सीमेंट के इसको डिटेल पढ़ेंगे कि ये सीमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल क्या है? किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल काम में आता है दोस्तों, उसी मटेरियल को हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। उसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं सर? बिल्डिंग मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल के, किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल काम में आएंगे उन सभी मटेरियल्स को बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। और उन बिल्डिंग मटेरियल्स में आज हम जिस बिल्डिंग मटेरियल को डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो हमारा पहला बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे मैंने कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स के नाम लिखे हैं, जैसे सीमेंट, मुझे ये पता होना चाहिए कि सीमेंट हमारा बाइंडिंग टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है। कहने का मतलब है सीमेंट हमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रोटेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल कौन हो गया सर? पेंट, वार्निश, पॉलिशिंग हो गया। ये हमारा कैसे मटेरियल है सर? ये हमारे प्रोटेक्टिव मटेरियल है। ठीक है, ये हमारे कैसे बिल्डिंग मटेरियल है सर? प्रोटेक्टिव मटेरियल है। तो सबसे पहला जो बिल्डिंग मटेरियल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो हमारा कौन सा होगा सर? वो हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल होगा वो सीमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है सर? आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है। अब ये आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है दोस्तों, अब बाइंडिंग का मतलब क्या होता है वो चेक करते हैं दोस्तों। बाइंडिंग से रिलेट करना है हमको, ध्यान रखना। अब एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास कुछ प्रिसिपिटेट होते हैं, प्रिसिपिटेट। अब ये प्रिसिपिटेट क्या लफड़ा है? इसको वैसे तो एनवायरनमेंट में पढ़ोगे। जब भी दोस्तों हम बात करते हैं ना कि कुछ मटेरियल हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, कुछ सब्सटेंस, और कुछ सब्सटेंस कुछ बनाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा बनाते हैं कि उनको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। कैसे? अब हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसमें, कि जैसे मैंने पानी में नमक को मिलाया, ठीक है, नमक को पानी में मिलाया, तो नमक क्या कर देगा सर? नमक पानी में घुल जाएगा। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जो घुलती नहीं है, कुछ बना देती है। जैसे मेरे पास कैल्शियम है, ये रिएक्ट करता है कार्बोनेट से, तो दोस्तों लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या बनता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। और सर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट। दोस्तों सीमेंट में जो प्रिसिपिटेट काम में आते हैं ना, वो जो प्रिसिपिटेट होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं। स्टिकी का मतलब है चिपचिपा। अगर कोई प्रिसिपिटेट चिपचिपा है तो वो अपने को दूसरे के साथ बाइंड करेगा। अपने को दूसरे के साथ क्या करेगा सर? बाइंडिंग करेगा। और अपने को दूसरे के साथ बाइंडिंग करेगा तो एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्ट्रेंथ। तो कहने का मतलब है सीमेंट हमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ये हमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने इस बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को रिलेट कर रखा है दोस्तों स्ट्रेंथ से।
आगे देखेंगे इसमें कौन सा प्रिसिपिटेट बनता है और कौन सी स्ट्रेंथ मिलती है। वैसे इन जर्नल अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1823-24 में सीमेंट का इन्वेंशन हुआ था और इसे बनाया था जोसेफ एस्पिडीन ने। किसने डेवलप किया था सर? जोसेफ एस्पिडीन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, मतलब लंदन के थे ये। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीमेंट जैसा, जिस सीमेंट को आज हम यूज करते हैं ना, इस मटेरियल को बनाने के बाद जब ये हार्ड हो गया था, तो ये इंग्लैंड में एक शहर है पोर्टलैंड, जगह यॉर्कशायर पोर्टलैंड में जगह है एक, वहां पर एक लाइमस्टोन पाया जाता है। तो सीमेंट सेट होने के बाद इसका कलर उस लाइमस्टोन के जैसे था, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, पोर्टलैंड सीमेंट। तो आपने खूब सुना होगा ये तो नाम दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है? क्योंकि पोर्टलैंड में जो लाइमस्टोन पाया जाता है, उसका जो कलर है सीमेंट के सेट होने के बाद, हार्ड होने के बाद, दोनों का कलर सेम था, इसलिए नाम क्या रख दिया सर, पोर्टलैंड सीमेंट। इससे पहले दोस्तों जो आर्सियन एम्पायर था, या बेबीलोन्स का जो एम्पायर था, उनके साम्राज्य थे, उन्होंने क्ले को बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया था। अब उन्होंने क्ले को बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया था सबसे पहले, तो वो उसी को ही सीमेंट बोलते थे। अब हमारे ये सीमेंट कब आया इन्वेंट में दोस्तों, 1824-23 के आसपास, 1824-1823 के आसपास। दोस्तों अगर मैं सीमेंट के नेचर की बात करूं, तो आपने दो चीजें देखी होंगी, एक तो हम बोलते हैं कोहेसिव और एक हम बोलते हैं एडहेसिव। एक तो हम किसकी बात करते हैं दोस्तों, कोहेसिव की बात करते हैं, कोहेजन की बात करते हैं, और एक किसकी बात करते हैं सर, एक हम एडेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सीमेंट का जो नेचर होता है वो कोहेसिव भी होता है और एडेसिव भी होता है। क्योंकि हम जब भी इसके नेचर की बात करते हैं, तो एक तो बात करते हैं पानी मिलाने से पहले की, और दूसरी बात करते हैं पानी मिलाने के बाद की। तो पानी मिलाने से पहले का नेचर और पानी मिलाने के बाद का नेचर, इसलिए ध्यान रखना सीमेंट का नेचर कोहेसिव भी होता है और सीमेंट का नेचर एडेसिव भी होता है। तो कभी आपसे पूछ लेगा कि सीमेंट कोहेसिव नेचर की होती है कि एडेसिव नेचर की होती है। अब हम जनरली बात करते हैं कि सीमेंट को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो दोस्तों अगर सीमेंट का हम क्लासिफिकेशन देखें, तो पहला जो क्लासिफिकेशन निकल के आता है वो कहलाता है जनरल, जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो पहला क्लासिफिकेशन निकल के आता है वो जनरल क्लासिफिकेशन निकल के आता है दोस्तों। अब सीमेंट का जनरल क्लासिफिकेशन क्या है, अब सीमेंट के जनरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। सीमेंट का जनरल क्लासिफिकेशन दोस्तों सीमेंट को दो प्रकार से बांटता है। कैसे बांटता है, पहला, ये पहला तो आपको बोलेगा कि सीमेंट एक तो होती है नेचुरल, और दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बोलता है कि सीमेंट कैसी है, आरटीपीसीएल। मतलब सीमेंट के जनरल क्लासिफिकेशन में हमने सीमेंट को दो भागों में बांट दिया, एक आपकी नेचुरल सीमेंट और एक आपकी आर्टिफिशियल सीमेंट। अब दोनों सीमेंट को कंपेयर करते हैं, दोनों सीमेंट की बात करते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी सीमेंट है वो नेचुरल सीमेंट है। अब नेचुरल सीमेंट का मतलब क्या है, इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेचुरल सीमेंट ऐसी सीमेंट होती है, नेचुरल सीमेंट ऐसी सीमेंट होती है जिसमें हम क्ले को यूज करते हैं और कार्बोनेट ऑफ लाइम, कार्बोनेट ऑफ लाइम, हम क्या करते हैं क्ले या कार्बोनेट ऑफ लाइम को यूज करते हैं, और क्ले और कार्बोनेट ऑफ लाइम को यूज करने के बाद दो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, एक क्रशिंग का प्रोसेस है दोस्तों और दूसरा बर्निंग का प्रोसेस है। तो क्रशिंग और बर्निंग करने के बाद जो सब्सटेंस बनाया जाता है, और वो सब्सटेंस क्ले होने के कारण बाइंडिंग की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, इसीलिए दोस्तों इस प्रकार की सीमेंट को हम नेचुरल सीमेंट बोलते हैं। इस प्रकार की सीमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। परंतु इस प्रकार की सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ हमारी जो आर्टिफिशियल सीमेंट है जिसको हम आज यूज करते हैं उससे बेकार होती है। अब सर बेकार होती है इसलिए इसका यूज भी क्या हो गया सर, इसका वेरी लिमिटेड यूज है, मतलब हम इस प्रकार की सीमेंट को कम यूज करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों हम इसमें कार्बोनेट ऑफ लाइम या क्ले जो मिलाते हैं ना, वो कितनी होती है, लगभग 20 से, मतलब उस स्टोन में इतनी क्ले होती है लगभग, ऐसा स्टोन हम पता करते हैं, ढूंढते हैं। दूसरा, इस प्रकार की जो सीमेंट है दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, इसलिए कम यूज है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल पूछेगा आपसे कि
तो इसके एग्जाम्पल कई बार पूछ सकता है। पहला पहला इसका एग्जाम्पल है रोमन सीमेंट, दूसरा इसका एग्जाम्पल है मेडिना सीमेंट। एक तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको, रोमन सीमेंट, दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मेडिना सीमेंट। तो रोमन सीमेंट और मेडिना सीमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सीमेंट। अब दूसरी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, जिस आर्टिफिशियल सीमेंट की दोस्तों हम बात करते हैं, उस आर्टिफिशियल सीमेंट को बनाने के लिए दो प्रकार के मटेरियल को लिया जाता है। इस आर्टिफिशियल सीमेंट को बनाने के लिए जो पहला मटेरियल हम काम में लेते हैं दोस्तों, वो आपका कहलाता है आर्जिलिसियस, आर्जिलिसियस मटेरियल। और दूसरा जो मटेरियल है कैलकैरिसियस मटेरियल। ये दो मटेरियल है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे होते क्या है। अभी ध्यान रखो आर्जिलिसियस में अर्गिल, अर्गिल का मतलब होता है दोस्तों क्ले, और क्ले का मतलब क्ले में क्या होती है एल्यूमिना। तो ध्यान रखना आर्जिलिसियस ऐसी कैटेगरी के सब्सटेंस या मटेरियल होते हैं जिनका प्रिडोमिनेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या मुख्य जो घटक होता है दोस्तों उसमें क्या होता है सर, क्ले होता है, उसमें क्या होता है क्ले। और कैलकैरिसियस में आपको दोस्तों दिख रहा होगा CaO, इसका मतलब इनका मुख्य घटक लाइमस्टोन या लाइम होता है। तो ये ऐसे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका मोस्ट प्रिडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इनका मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों, लाइमस्टोन होता है। अब कई बार और भी एग्जाम्पल पूछेगा, इन सभी को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में देखेंगे। अभी एक जनरल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक होती है दोस्तों हमारे पास शेल और एक होती है हमारे पास सेल, इस सेल को मरीन सेल भी बोलते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना इस सेल का मतलब तो होता है किले, ठीक है, इसका मतलब ये सेल तो एग्जाम्पल किसका है सर, आर्जिलिसियस का। और इस सेल मरीन सेल का मतलब होता है समुद्र के आसपास जो जानवर पाए जाते हैं वो अपनी बॉडी के पार्ट को लगातार दोस्तों उतारते रहते हैं, और लगातार उतारते रहते हैं उन्हीं को मरीन सेल बोलते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा होता है। तो इस मरीन सेल का एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा सर, कैलकैरिसियस में आ जाएगा। इसके अलावा आगे की क्लास में इसके और एग्जाम्पल भी देखेंगे, अभी फोकस रखो आर्टिफिशियल सीमेंट क्या है। तो ऐसा सीमेंट जिसे बनाने के लिए आपने आर्जिलिसियस और कैलकैरिसियस मटेरियल को आपस में मिलाया दोस्तों, आपस में आर्जिलिसियस और कैलकैरिसियस को मिलाने के बाद क्रशिंग करने के बाद इनकी की जाती है बर्निंग, इनकी क्या की जाएगी दोस्तों बर्निंग। अब बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है कैल्सीनेशन। बर्निंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, बर्निंग के प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशन का मतलब होता है बर्न करना, गर्म करना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या कई बार इसको विदाउट ऑक्सीजन भी आप बोल सकते हो, क्यों कम सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की। कैल्सीनेशन करने के बाद जो हार्ड हार्ड सब्सटेंस बनता है उसका नाम है क्लिंकर, और इस क्लिंकर को पीस करके उसमें जिप्सम मिला करके, इस क्लिंकर को पीस करके उसमें क्या मिला करके सर, जिप्सम मिला करके सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का आपका जनरल तरीका है आर्टिफिशियल। तो क्या किया, सबसे पहले आर्जिलिसियस और कैलकेरिसियस मटेरियल को बर्न किया, बर्न करने के बाद उनसे एक हार्ड मटेरियल बना, उस हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करके जिप्सम मिला करके सीमेंट बन गई। दोस्तों ये जो आर्जिलिसियस और कैलकेरिसियस कंपाउंड है इसमें क्ले है, एल्यूमिना है, लाइम है, और इन सब के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और इन सब प्रिसिपिटेट का नेचर, इन सभी प्रिसिपिटेट का नेचर स्टिक होता है, चिपचिपा होता है, जिसके कारण ये बाइंड प्रोवाइड करते हैं बाइंडिंग, इसलिए हमने बाइंडिंग मिल गई और बाइंडिंग को ही बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो इसलिए सीमेंट में इन आर्जिलिसियस और कैलकेरिसियस मटेरियल को यूज किया जाता है। दूसरा जब मैं इसको समझा रहा था तो इसमें तीन बातें निकल के आती है दोस्तों सर, तीन बातें कौन कौन सी आती है। पहली बात आती है कैल्सीनेशन, दूसरी बात दोस्तों इसमें आती है क्लिंकर, और तीसरी बात आएगी इसमें पल्वराइजिंग। पल्वराइजिंग अब एक एक उठाते हैं सबों को होता क्या है, ठीक है, एक एक वर्ड को उठाते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या क्या है। हाँ भाई
सबसे पहले बात करते हैं कैल्सीनेशन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं सर? कैल्सीनेशन की। दोस्तों कैल्सीनेशन का मतलब होता है बर्न करना। कैल्सीनेशन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर बर्न करना। जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे दोस्तों इसको 1500-1600 डिग्री पर बर्न किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर बर्न करना, गर्म करने का प्रोसेस क्या कहलाता है सर? कैल्सीनेशन। अब क्लिंकर क्या है? गर्म करने के बाद इन सब्सटेंसों का एक हार्ड सब्सटेंस बनता है। इतना हार्ड होता है दोस्तों ये कि इसको आप किसी रोड के पेवमेंट में भी यूज कर सकते हो। इस हार्ड सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं सर? इस हार्ड सब्सटेंस को ही क्लिंकर बोला जाता है। तो क्लिंकर इज ए टाइप ऑफ हार्ड सब्सटेंस, या कैल्सिंड मटेरियल को क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर इज ए टाइप ऑफ कैल्सिंड मटेरियल। कैल्सिंड मटेरियल का मतलब कैल्सीनेशन के बाद बनने वाला मटेरियल क्लिंकर कहलाता है। कैल्सीनेशन के बाद बनने वाला मटेरियल क्लिंकर कहलाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों पल्वराइजिंग की। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों किसकी? पल्वराइजिंग की। अब ये पल्वराइजिंग क्या है? टू कन्वर्ट इनटू दी फाइन पाउडर। क्लिंकर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, क्लिंकर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को दोस्तों पल्वराइजिंग कहा जाता है। इसका मतलब जब मैं क्लिंकर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करता हूँ तो फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसी को कहा जाता है पल्वराइजिंग। तो पल्वराइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्लिंकर को हम क्या करते हैं? फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि जब मैं आर्टिफिशियल सीमेंट को समझा रहा था तो उसमें ये तीनों डेफिनेशन आ रही थी तो इनको समझा दिया। अब इस आर्टिफिशियल सीमेंट का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो कहलाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इस आर्टिफिशियल सीमेंट, या फिर एक और नाम है दोस्तों ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी सेटिंग सीमेंट, एक ही बात है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट सीमेंट है जिनका हम यूज करते हैं। आज भी जो यूज कर रहे हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है। आगे ये तो पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया है दोस्तों, कि पहला क्लासिफिकेशन आपको क्या बताया कि एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। दूसरा एक और बात ध्यान रखना, इस आर्टिफिशियल सीमेंट का कलर तो ग्रीनिश ग्रे होता है लेकिन इस नेचुरल सीमेंट का कलर दोस्तों ब्राउन होता है। नेचुरल सीमेंट का कलर कौन सा होता है सर? ब्राउन। और ये आर्टिफिशियल जो सीमेंट होती है दोस्तों इसका जो कलर होता है ग्रीनिश ग्रे कलर होता है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा। अब एक बार आगे देखते हैं दोस्तों सीमेंट में क्या क्या आपको मिलेगा। ऐसे ये बोल रहा है कि सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है, जो बताया था आपको, इन्वेंट हुआ था 1824, 25 या 23 मान लो आप, जोसेफ एस्पिडिन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। सबसे पहले आर्सियन एम्पायर और बेबीलोनियंस ने क्ले को यूज किया था सीमेंटिंग मटेरियल या बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। दोस्तों सीमेंट आपका कोहेसिव और एडहेसिव मटेरियल होता है, एक। दूसरा, अगर हम इसके जनरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल क्लासिफिकेशन में पहली जो सीमेंट दी हुई है वो नेचुरल सीमेंट है। आगे बोल रहा है कि इसको ऑब्टेंड किया जाता है बर्निंग और क्रशिंग। किसको? ऐसे स्टोन जिसमें क्या हो? क्ले हो सर, और कार्बोनेट ऑफ लाइम हो। लगभग क्ले कंटेंट कितना होता है उन स्टोन में सर? कम से कम 20 से 40% हमें क्ले का कंटेंट चाहिए। नेचुरल सीमेंट का जो कलर है दोस्तों वो ब्राउन है। नेचुरल सीमेंट का कलर क्या है दोस्तों? ब्राउन, BROWN। नेचुरल सीमेंट इज नॉट प्रॉपर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल सीमेंट, सो यूज इज वेरी लिमिटेड। क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसको कम काम में लेते हैं। इसके एग्जाम्पल दोस्तों आपको बताए थे मैंने, एक तो आपका रोमन सीमेंट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन सा हो गया सर? रोमन सीमेंट, मडीना सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो आर्टिफिशियल सीमेंट है दोस्तों उसको रेफर कर लेते हैं, कि दिस सीमेंट इज ऑब्टेंड बाय पल्वराइजिंग द क्लिंकर आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ कैलकेरिसियस और आर्जिलिसियस मटेरियल। तो इन दोनों मटेरियल का कैल्सिनेशन, पल्वराइजिंग ये सब करना पड़ता है। एग्जाम्पल कौन सा है सर? नॉर्मल सेटिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी सीमेंट और स्पेशल सीमेंट। स्पेशल सीमेंट देख लेंगे दोस्तों आगे।
पल्वराइजिंग का मतलब क्या है? टू कन्वर्ट इनटू द फाइन पाउडर। फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को दोस्तों पल्वराइजिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पल्वराइजिंग। अब बात करते हैं सर क्लिंकर। द कैल्सिंड प्रोडक्ट इज नोन एज क्लिंकर। कैल्सिंड का मतलब है जिसको बर्न किया गया हो हाई टेम्परेचर पर। उसके बाद इट इज ए हार्ड सब्सटेंस विच इज यूज एज ए पेविंग मटेरियल। ये इतना हार्ड होता है कि आप इसको पेविंग मटेरियल या ब्रिक की तरह भी यूज कर सकते हो। कैल्सिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस ए हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है सर? कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि दोस्तों उसको हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर पर गर्म करना लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो उसको कम ऑक्सीजन दे करके, या इसी कम को कभी कभी हम लिमिटेड ऑक्सीजन बोल देते हैं या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल देते हैं। तो ये एक ही बात है। तो दोस्तों इस सीमेंट की क्लास में हमने सारा बेसिक कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में इसके अगले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।